राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की कड़ी टिप्पणी, कहा आप आग से खेल रहे। जेल में ही मनेगी संजय सिंह की दिवाली, दिल्ली की अदालत ने 24 नवंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली में अभी नहीं लगेगा ऑड इवन, बारिश से प्रदूषण में काफी सुधार, दीपावली के बाद स्थिति की होगी समीक्षा। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदुओं और राम से नफरत। कांग्रेस के पूर्व विधायक का सनसनीखेज खुलासा, पूर्व विधायक और महापौर की बात को ऑडियो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं आफिफा मलिक। पंजाब के राज्यपाल की तरफ से विधानसभा में पारित विधायकों को मंजूरी न लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, ये लोकतंत्र है, जनप्रतिनिधियों की तरफ से पास बिल को इस तरह नहीं अटकाया जा सकता, आप ये नहीं कह सकते कि विधानसभा का सत्र ही गलत था। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार से पूछा कि विधानसभा के बजट सत्र की बैठक को स्थगित क्यों किया गया, अनिश्चितकाल के लिए सत्वना को क्यों नहीं किया गया। शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार और राज्यपाल से कहा हमारा देश स्थापित परंपराओं पर चल रहा है और उनका पालन किया जाना चाहिए, पंजाब में जो हो रहा है हम उससे खुश नहीं है, ये गंभीर चिंता का विषय है। दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया है। संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वहीं मानहानि मामले में पंजाब से प्रोडक्शन वारंट भी शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। इस पर कोर्ट ने संजय सिंह को पंजाब के अमृतसर की अदालत में पेश करने की अनुमति दी। बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद आप राज्यसभा सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आप नेता ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। बता दें ईडी ने बीते महीने 4 अक्टूबर को पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। दिल्ली में 13 से 20 नवंबर को ऑड इवन लागू नहीं होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कल रात से मौसम में बदलाव हुआ है, बारिश की वजह से प्रदूषण में सुधार है, ऐसे में अभी ऑड इवन लागू नहीं होगा, दिवाली के बाद समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद ही ऑड इवन पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर पिछले एक हफ्ते से प्रदूषण की मार झेल रहा है, वायु की गुणवत्ता स्तर यानी AQI 450 से ऊपर बना हुआ है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने तमाम बड़े फैसले भी लिए थे। इसके बाद दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर को ऑड इवन लागू करने का ऐलान भी किया था। हालांकि शुक्रवार सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों को राहत दी, आसमान में छाई धुंध साफ हो गई, AQI भी 400 से 100 के स्तर पर पहुंच गया। कल रात से दिल्ली के अंदर जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, बारिश ने दिल्ली के अंदर जो पिछले 8-10 दिनों से हवा की गति जो एक ठहराव में थी, टेम्परेचर डाउन जा रहा था, प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सीवियर प्लस कैटेगरी तक पहुंच गई थी। रात से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है बारिश के कारण, हवा की गति बढ़ने के कारण लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। अभी इस समय तक 450 से पार जो प्रदूषण का स्तर था वो लगभग 300 तक पहुंच गया है और इसमें और सुधार की स्थिति देखी जा रही है। इसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और अगर प्रदूषण के स्तर में अगर कोई गंभीर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपनी पार्टी में भगवान राम को लेकर कुछ लोगों के मन में घृणा होने की बात कही है। उन्होंने कहा मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो भगवान राम से नफरत करते हैं, ये नेता हिंदू शब्द से भी नफरत करते हैं, वो हिंदू धार्मिक गुरुओं का अपमान करना चाहते हैं, उन्हें पसंद ही नहीं है कि पार्टी में एक हिंदू धार्मिक गुरु ऐसा होना चाहिए।
आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, जो राम से नफरत करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए हैं उसे सारी दुनिया जानती है। पार्टी स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम न होने पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, नाराजगी का कोई कारण नहीं है। हो सकता है कांग्रेस को हिंदुओं के समर्थन की जरूरत न हो या किसी हिंदू धर्म गुरु के स्टार प्रचारक बनाने का जो उद्देश्य होता है उन्हें उसमें कोई कमी नजर आ रही हो। राजनीति में भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। मेरी किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया है, कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्म गुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्म गुरु पार्टी में रहे। जो कि संभवतः कांग्रेस के पक्ष में खड़े इकलौते हिंदू धर्माचार्य हैं और जहां तक हमारी जानकारी है प्रियंका गांधी के सलाहकार भी माने जाते हैं, अर्थात कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हुआ इकलौता हिंदू धर्माचार्य जो कि कांग्रेस के गांधी परिवार का नजदीकी भी, अगर उसने ये बोल दिया है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर अब हिंदू धर्म के प्रति अवमानना और घृणा का जो घड़ा है वो संभवतः भर चुका है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। याद करिए एक एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट 2014 में, जिसमें साफ साफ बाकायदा लिखित रिपोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन था कि हिंदू विरोधी नजर आ रहे थे इसलिए चुनाव हार गए। हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने की बात इन्होंने अपने उसमें कही थी जब सरकार में थे, और उसके बाद इनके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। अभी इनके सबसे बड़े सहयोगी ने चेन्नई में कॉन्फ्रेंस की, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, सनातन धर्म का समूल नाश, इनके नेता वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में खड़े होकर कोर्ट में जाते थे। अभी अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर के विरुद्ध चुनाव आयोग में गए। यानी यह बहुत साफ है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की विचारधारा का कब्जा हो गया है जो हिंदू धर्म और भगवान राम के प्रति अवमानना और हिंदू धर्म के प्रति घृणा और हिंदू धर्म के समूल नाश के लिए कृत संकल्प। बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुण तिवारी का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए अरुण तिवारी ने उनके और बिलासपुर महापौर रामशरण यादव के बीच मोबाइल फोन पर हुई बातचीत के ऑडियो के हवाले कर दिया, जहां कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण में करोड़ों का खेल हुआ है। अरुण तिवारी ने पत्रकारों के बीच ऑडियो जारी करते हुए बिलासपुर महापौर रामशरण यादव के पार्टी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सामने लाए। ऑडियो में स्पष्ट रूप से रामशरण यादव द्वारा टिकट को लेकर बड़ा लेन देन का आरोप लगाया गया है। ऑडियो में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के कामकाज को लेकर भी टिप्पणी की गई है। अरुण तिवारी ने कहा कि उन्होंने इस बात की शिकायत बाकायदा पार्टी फोरम में भी की है और कुमारी शैलजा से लेकर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को विभिन्न गतिविधियों से अवगत भी कराया, लेकिन उनकी कहीं भी सुनी नहीं गई। अरुण तिवारी ने मीडिया से कहा कि रामशरण फिलहाल डरे हुए हैं, इसलिए वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। मेरे पास उसका भी टेप है कि मैंने मोहन मरकाम को एक एक बात बताई। एक बात सेकंड, मैं आपको दिखा सकता हूं, मैंने बकायदा ये आप लोग को जो भेजा हूं और जो सुनाया हूं, ये मैंने खुद शैलजा जी को ही भेजा है, मैंने दीपक बैन को ही भेजा, और किसको भेजू? संगठन की बात संगठन में मैंने भेज दी, जनरल सेक्रेटरी आईसीसी तक को भेजा है मैंने। क्या कोई रिएक्शन आया? काश रिएक्शन आता तो कांग्रेस को आज इस दिन देखने नहीं पड़ते कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के लिए बीजेपी के खिलाफ 5 दिन तक निर्जला उपवास रहा हो, वो उस व्यक्ति को आज अपना दूध दल लेके मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। एक दुख की बात है मेरे लिए। चुनाव की बातें तो ये है ही नहीं, मुख्य चीज ये है कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, पार्टी किस दिशा में जा रही है। मैं चुनावी नेता नहीं हूँ, मैं क्रांतिकारी नेता था, हूँ, और सच्चाई को लाना मेरा धर्म बनता है। अब आप इसी से समझ लीजिए ना कि जो आप लोग जानते हैं कि रामशरण यादव मुझे पहचानता ही नहीं पहचानता, अगर वो पहचानने से मना कर रहा है, यानी अभी वो प्रदेश सरकार के कोप से डर रहा है, वो डरे। अरुण तो नहीं डरने वाला। मैं कह रहा हूं शैलजा जी से वो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें, मैं हाई कोर्ट में इन बातों को रखूंगा, और अगर मैं गलत हूंगा तो मैं 2 साल की जेल, मैं भुगतने को तैयार हूं।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान का समर्थन किया है और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भजन में अवश्य ही कोई विषैला पदार्थ मिलाया जा रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी जांच जरूरी है, तभी जो उनके इर्द गिर्द महागठबंधन के लोग रहते हैं उनका खुलासा हो सकेगा। साथ ही कहा कि आरक्षण के मामले में भाजपा ने कभी किसी का विरोध ही नहीं किया बल्कि समर्थन किया, लेकिन फिर भी भाजपा सभी सवाल उठा रही है तो महागठबंधन के नेता उसका सही जवाब नहीं दे रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया, उस महागठबंधन के लोगों को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो उनके दल के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, जो निकट लोग हैं, इस घटना को अंजाम दे सकता है। बिहार जैसे बड़े राज्य के साथ एक बड़ी साजिश का इन्होंने खुलासा किया है। और मैं बता दें, आज आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन खुल करके सपोर्ट किया, समर्थन किया, और आज जिस तरह से एक महिला का अपमान, एक दलित के अपमान पर राजद के लोग जिस तरह से वातावरण बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडा राज और गुंडों की सरदार बिहार के माहौल को खराब कर रहे हैं। मैं तो खुल करके सदन के अंदर कहा था कि आरक्षण मिलना चाहिए। 200 छोटी छोटी जात है, एक जात दो जात मिलकर के 2.5 लाख अकेले एक जाति के लोग आज जादव समुदाय के अंदर आप 2.5 लाख नौकरी का पद प्राप्त कर लिए। उसी जादव जाति में आधा से अधिक बेचारा गरीब पिछड़ा है। हर जाति में जो अमीर हो चुका है उसको फॉरवर्ड घोषित कीजिए, और जो हर जाति में आप गरीब आर्थिक सर्वेक्षण किया है गरीब है उसको प्राथमिकता दीजिए। तो मिर्ची लग रहा है और वही लोग आज तमाशा बना के भ्रम फैला के कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ये माहौल को खराब कर रहे हैं, जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।